हालांकि बाबूलाल जी से भी ये सवाल पूछा गया था, आखिर चर्चा इस बात को लेकर जो छापा पड़ा कांग्रेस के इन दोनों विधायकों के यहाँ, उनके यहाँ इस बात को लेकर काफी जोरों से चर्चा रही कि जिन जिन गाड़ियों पर अधिकारी आए थे उन पे बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ था, आखिर क्या कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए ये बातें जरूर सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से फैल चुकी है कि जी आज जो कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के आवास पर ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी, उसमें एक गाड़ी है जिस पर कि बीजेपी के स्टिकर लगे हुए थे, उसको हटाते हुए वीडियो सामने आए। लेकिन बीजेपी के नेता इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो जाँच की मांग भी कर रहे हैं कि आखिर इसकी सच्चाई सामने आने चाहिए कि बीजेपी के जो है वो गाड़ी है कार्यकर्ता के या एक तरह से एक साजिश है। ये तमाम सवाल जरूर हुए हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी ये इनकम टैक्स का काम है, ईडी का काम है कि अगर वो किसके गाड़ी लिए हैं और क्यों वहां पहुंचा है, ये तमाम सवालों के जवाब वो देंगे। लेकिन इसकी जानकारी फिलहाल अभी नहीं है कि वहां बीजेपी की गाड़ी थी, बीजेपी के कार्यकर्ता के गाड़ी थे और उसको लेकर के इनकम टैक्स के अधिकारी वहां पहुंचे थे। लेकिन जो तस्वीरें हमने भी देखा है उसमें अब ये जाँच का विषय है कि वो गाड़ी के नंबर है, उसको जाँच किया जा सकता है, वो सच्चाई सामने लाया जा सकता है कि आखिर वो गाड़ी सच में बीजेपी के कार्यकर्ता के हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता के अगर हैं तो इनकम टैक्स के अधिकारी तक कैसे पहुंचे, क्या वो गाड़ी सच में जांच के लिए वहां पर गई थी या फिर कहीं और के वो फुटेज हैं। ये तमाम सवाल अब जरूर खड़ा हुए हैं, अब इस तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो मदन उम्मीद की जानी चाहिए कि या तो बीजेपी के किसी पदाधिकारी की तरफ से या फिर एक तरह से देखा जाए तो आईटी के अधिकारियों को भी अब सफाई देने की जरूरत आन पड़ी है कि आखिर क्या वो बीजेपी की स्टिकर लगी गाड़ी से गए थे क्या, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी चूक हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, जिस तरह से आरोप लगे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसका प्रचार हो रहा है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी अब ये मांग उठ रही है कि ये तथ्य सामने आने चाहिए कि सच में वो गाड़ी बीजेपी के कार्यकर्ता के हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता के अगर हैं तो वो इनकम टैक्स के छापेमारी में कैसे पहुंची, इनकम टैक्स के अधिकारियों को कैसे मिला, उस पर वीआईपी स्टिकर कैसे लगे और उस स्टिकर को क्यों हटाया गया, उसी वक्त उसी जगह पर क्यों हटाया गया, उससे पहले क्यों नहीं हटाया गया, ये तमाम सवाल अब जरूर खड़े हुए हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश किए जा रहे हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने आप ही एक बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर इस गाड़ी की तस्वीरें कैसे वायरल हो रही हैं और लगातार कांग्रेस के विधायकों की बात की जाए या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी से साठगांठ है आईटी के अधिकारियों की, इस बात को बल दिया जा रहा है। अब ऐसे में मुकम्मल जांच के बाद ही सत्य सामने आ पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। इंतजार इस बात का भी रहेगा कि आईटी के अधिकारी इस मामले को लेकर क्या कुछ तथ्य सामने रखते हैं। और फिलहाल हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।